तो मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट रिजाइन हो गए। वो एक दफा मुझे सर कोई एक बच्चा बता दे कि आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है। ठीक जी सर, क्लियर आ रही है। है जी सर, क्लियर आ रही अच्छा, है। चलिए बस ठीक है। अच्छा थैंक यू। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा था, सही है, हमने लास्ट जो है ना पढ़ा था ओपेसिटी तक, तो ओपेसिटी क्या होती है, इसके बाद ये हम कंटिन्यू करते हैं। एक दफा ब्रेक से पहले हमने जो जो पढ़ा है ना, फिर स्पीड में जल्दी से क्विक रिवीजन दे देते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सिंपल देखा कि भाई हमें सी एस एस की डॉट एक्सटेंशन डॉट सी एस एस फाइल हम बनाते हैं, उसमें सी एस एस को देने का हमारा ये तरीका है, सेलेक्टर डिक्लेरेशन ब्लॉक, ताकि जिससे भी अगर कोई चीज़ दिमाग में से निकल गई हो तो वो रिवाइज हो जाए। और सेलेक्टर है, फिर डिक्लेरेशन ब्लॉक के अंदर हम दो चीज़ें देते हैं, प्रॉपर्टी आइदर और वैल्यू। सी एस एस की हमारे पास तीन क्लासेस थी, एक्सटर्नल टाइप की हम सी एस एस कर सकते हैं, इंटरनल कर सकते हैं और इनलाइन कर सकते हैं। एक्सटर्नल में वही हम लिंक डिफाइन करते हैं, लिंक के अंदर तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, एच रेफ, टाइप, रिलेशन। ठीक है, एच रेफ के अंदर हम उस सी एस एस की फाइल का नाम दे देते हैं, ठीक है, या उसका पाथ दे देते हैं, ठीक है। फिर ये एग्जाम्पल वगैरह थी हमारे पास। फिर इंटरनल सी एस एस में क्या होता है, हम अलग से फाइल नहीं बनाते। इंटरनल सी एस एस में सिंपल हम स्टाइल का टैग ओपन करते हैं हेड के अंदर, और उसके अंदर वही सारी सी एस एस की कोडिंग कर देते हैं, सारे एट्रीब्यूट वगैरह दे देते हैं। इनलाइन में क्या होता है, हम वो काम भी नहीं करते, हम सिर्फ हर टैग के अंदर एक इनलाइन उसका जो भी स्टाइल है वो डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आया तो सी एस एस के सेलेक्टर, कि सेलेक्टर जो हमारे पास है डिक्लेरेशन ब्लॉक है, उसके अंदर जो सेलेक्टर है उस सेलेक्टर किस किस किस्म के हो सकते हैं, वो हो सकता है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको हम स्टेरिक से देते हैं, जिसमें सारे टैग्स के ऊपर एक ही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाती है। फिर टाइप सेलेक्टर आता है, जिसमें हम जो हम काम काम कर रहे हैं सबसे शुरू से, कि जिसमें हम H1 टैग है तो उसका H1 टाइप सेलेक्टर बना देंगे और बाकी उसके डिक्लेरेशन ब्लॉक में प्रॉपर्टीज दे देंगे। क्लास और आईडी सेलेक्टर था, ठीक है। क्लास सेलेक्टर के अंदर हम टैग के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं, 1 2 3 4, जो भी आप उसका नाम देना चाहें वो क्लास, और उसी नाम के साथ डॉट लगा के, डॉट जैसे नोट है तो डॉट नोट, और फिर आगे डिक्लेरेशन ब्लॉक में उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप दे देंगे। और आईडी के अंदर आपने सिंपल वही काम करना है, वहां पे आप आईडी देंगे एचटीएमएल के टैग के अंदर, और यहाँ पे आप हैश और उस टैग का नाम, उसके बाद डिक्लेरेशन ब्लॉक से आईडी। क्लास और आईडी में हमने देखा था कोई फर्क नहीं है सिवाय इसको डिफाइन करने के, बाकी यूनिवर्सल और टाइप सेलेक्टर था। फिर हमने कलर्स का पढ़ा कि भाई फोरग्राउंड कलर जो है उसका टेक्स्ट का कलर होता है, उसको डिफाइन करने के तीन तरीके हैं, आरजीबी, हेक्साडेसिमल, कलर नेम के थ्रू। आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू होता है, 255, इन सबकी वैल्यू होती है 255 255 255, 0 से 255 के दरमियान आप अलग अलग आर जी बी की वैल्यूज दे सकते हैं। ये हमने W3 स्कूल के थ्रू भी देख लिया, ठीक है, कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हेक्साडेसिमल कोड होते हैं, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। फिर कलर के नेम्स के थ्रू भी आप बता सकते हैं कि भाई ये कलर हमें चाहिए, कलर नेम्स वगैरह सारे इसमें W3 स्कूल की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, जैसे वहां पे हम प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहे थे कलर की, जैसे टेक्स्ट कलर आर चेंज हो रहा था, इस तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, और उसके आगे आप वैल्यू वही दे सकते हैं, आरजीबी में भी, हेक्साडेसिमल में भी, और सॉलिड वैल्यू भी। फिर हमने देखा ओपेसिटी, कि जिसका ये हमने एग्जाम्पल भी देखी कि ओपेसिटी 0.5 करने से ये हो गया, तो 1 से 0.5 के दरमियान 0.1 2 3 4 5 0.9 और फिर 1 तक की जितनी वैल्यूज है उसके बीच में हम मैप करेंगे उसको, तो ओपेसिटी उसकी उसकी विजिबिलिटी लाइट या डार्क हो जाएगी, ठीक है, टेक्स्ट की। इसी तरीके से आप कलर की भी ओपेसिटी कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर की, तो वो RGBA करेंगे, और चौथा एट्रीब्यूट RGB के बाद ओपेसिटी 0 से 1 के बीच की कोई वैल्यू दे देंगे, फिर ओपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ तक हमने ब्रेक तक ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, और होप्स हो आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी। नहीं भी आई हो तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, वरना ये जूम की रिकॉर्डिंग दोबारा देखें,
और आपको दोबारा से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग के ऊपर। ठीक है, तो टेक्स्ट स्टाइलिंग में हमारे पास स्टाइलिंग के दो तरीके हैं। टेक्स्ट एक है, आप फॉन्ट की फैमिली डिसाइड कर सकते हैं जो फॉन्ट का स्टाइल बताएगा कि ये भाई एरियल है, ये कैलिब्री है, ये टाइम न्यू रोमन है, या जो भी है आप फॉन्ट फैमिली बता सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, द प्रॉपर्टी दैट अलाउज यू टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट कैन बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप, दोस दैट डायरेक्टली अफेक्ट द फॉन्ट एंड इट्स अपीयरेंस, इंक्लूड टाइप फेस, वेदर इट इज रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, क्या उसका साइज है, ठीक है, टाइप है, और देयरफॉर सेम इफेक्ट ऑन टेक्स्ट नो मैटर व्हाट फॉन्ट यू आर यूजिंग इंक्लूडिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन स्पेसिफिक। ठीक है, अच्छा, अब फॉन्ट फैमिली के अंदर डिफरेंट फॉन्ट्स के डिफरेंट नाम हैं। जैसे आप इस सीएसएस के अंदर, जब आप इस w3schools.com पे जाएंगे तो सीएसएस के अंदर फॉन्ट्स भी गिवन है कलर के अलावा, तो फॉन्ट्स के अलग अलग नाम हैं। ये देखें, ये नाम आप यूज कर सकते हैं फॉन्ट डिफाइन करने के लिए, जैसे हमने एग्जांपल में भी देखा था। तो आप क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी देंगे कि भाई इसकी ये बॉडी में जितने भी टैग यूज हो रहे हैं सबकी फॉन्ट फैमिली ये है, और उसके हमने कोई भी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं ये दे देते हैं सेरिफ। ठीक है, तो सेव करेंगे, यहाँ इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाएगी। तो ये आप फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, मल्टीपल फॉन्ट्स हैं तो आप यहाँ से नाम उनके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल दी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये H1 H2 दिया हुआ है, इसका क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये प्रॉपर्टीज H1 और H2 दोनों पे अप्लाई हो जाए, तो जितने भी टैग हम फॉर्मा देके सब पे भी दे सकते हैं, तो वो सब पे से मतलब कोई 10 टैग में तो आप 6 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड आप उनके नाम दे देंगे तो आपकी वो सेलेक्ट हो जाएगी, ये H1 और H2 दोनों पे अप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है जॉर्जिया टाइम सेरिफ, तो ये तो अलग अलग फॉन्ट है, ये भी अलग फॉन्ट है, ये भी अलग, तो ये एक ही बॉडी के अंदर तीन तीन फॉन्ट क्यों दिए हुए? ये बात किसी को समझ आई? नहीं आई तो मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे साफ सुथरी बात ये लिखी हुई है कि यू कैन स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट सेपरेटेड बाय कॉमा सो दैट इफ यूजर डज नॉट हैव योर फर्स्ट चॉइस ऑफ टाइप फेस इंस्टॉल्ड, मतलब ये टाइप फेस है, अगर ये हर जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई गूगल क्रोम यूज कर रहा होगा, कोई मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर रहा होगा, कोई एंड्रॉयड यूज कर रहा होगा, कोई लिनक्स यूज कर रहा होगा, कोई उबंटू यूज कर रहा होगा, और हर किसी के अंदर अलग अलग ब्राउजर है, हर किसी की कोई विंडोज है, कोई किसी पे है, कोई अलग अलग ब्राउजर पे है, कोई माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहा है, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, कोई गूगल क्रोम, और सबकी अलग अलग अपडेट्स हैं, कोई किसी की अपडेट के अंदर ये फॉन्ट नहीं आया, किसी की अपडेट में ये फॉन्ट नहीं आया, तो वो हर किसी के साथ कंपेटेबल हो, इसलिए आप मल्टीपल फॉन्ट्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि भाई ये प्रेफरेंस पहली है, या अगर ये हो ब्राउजर के पास तो ये फॉन्ट आप शो करें, अगर ये उसके पास इंस्टॉल नहीं है फॉन्ट फेस तो ये करें, ये नहीं है तो ये करें, तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड फॉन्ट्स बता सकते हैं। अब डिफाइन करने का तरीका यही है, फॉन्ट डैश फैमिली कॉलम, और फिर आप फॉन्ट बताएं कॉमा में, दूसरा फॉन्ट बताएं कॉमा में, एक देंगे तो एक भी सही है, ये ना ही चला और यहाँ पे आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ तो फिर वो सिंपल टेक्स्ट हो जाएगा, उसका फॉन्ट सादा टेक्स्ट सादा फॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, और वो उसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो ये तरीका है फॉन्ट फैमिली बताने का, सही है। फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट साइज की टेक्स्ट स्टाइलिंग के अंदर, हमने पहली चीज देखी फॉन्ट फैमिली, फिर आई फॉन्ट साइज। ठीक है, तो फॉन्ट साइज का क्या काम है? वही काम है कि आप भाई उसकी पिक्सल, अच्छा फॉन्ट साइज के फॉन्ट कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, कैसा होगा, ये आप उसकी पिक्सल के थ्रू बता सकते हैं या परसेंटेज के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज देखने वाली है, हमने पिक्सल तो देख लिया कि डिफाइन करने का तरीका है, कुछ भी आप पिक्सल देंगे 100 पिक्सल, और उसके बाद ई एक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है पिक्सल, ये आप आगे उसके उसका यूनिट देंगे। ठीक है, जैसे आप अपने फिजिक्स वगैरह के अंदर हर हर चीज़ का यूनिट देते थे ना, वैसे आप इसमें
पिक्सल जो है इसका यूनिट है, आप यूनिट देंगे, ठीक है, जैसे स्पीड का आप किलोमीटर पर आवर देते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप पिक्सल देंगे, ठीक है, और परसेंटेज भी दे सकते हैं। अब ब्राउजर में जो आपके पास टेक्स्ट का साइज होता है उसका डिफॉल्ट जो साइज है वो है 16 पिक्सल, जो सिंपल टेक्स्ट लिखा है ना वो है 16 पिक्सल का, तो उस हिसाब से अगर आप परसेंटेज में इसको देना चाह रहे हैं तो 16 पिक्सल का 75% क्या होगा 12 पिक्सल, 100% क्या होगा 16 पिक्सल, 200% क्या होगा 32 पिक्सल, 400% क्या होगा वो मल्टीप्लाई आप करते जाए, तो आप चाहे तो परसेंटेज में भी साइज बता सकते हैं, नहीं तो आप इन पिक्सल भी इसका साइज बता सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई आपने ये साइज अगर हेडिंग का देना है तो इतने पिक्सल दे दूँ, ये देना है तो इतने पिक्सल दे दूँ या इतने परसेंटेज दे दूँ, तो मेरा ये साइज आ जाएगा, ठीक है। तो ये पिक्सल और परसेंटेज जैसे हमने यहाँ पे ये देखें, फॉन्ट साइज ठीक है 100 पिक्सल दे दिया अलग आएगा, और परसेंटेज में देना चाहे तो 200% तो वो अलग आएगा, सही है। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज हमारे पास है टेक्स्ट स्टाइलिंग में जिसके तरीके हैं पिक्सल्स के अंदर या फिर परसेंटेज के अंदर, ठीक है। फिर फॉन्ट फेस है, ये भी आप लोग खुद स्टडी कीजिएगा कि ये क्या काम करता है। वैसे मैं बता देता हूँ कि इसमें फॉन्ट फेस के अंदर जो है ना, जैसे आप फॉन्ट फेस की एट्रीब्यूट देते हैं, फॉन्ट फैमिली बता देते हैं कि ये होगी, और ये अगर आपके पास ब्राउजर में नहीं भी है तो इंटरनेट के ऊपर एक वेबसाइट है chunk5.eot, वहाँ पे ये फॉन्ट है फॉन्ट से chunk5, तो ये यहाँ से जाके ये उठा ले। वैसे आप लोग इसको खुद स्टडी कीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये चीज़ मैंने वैसे तो आप लोगों के असाइनमेंट के लिए रखी थी, लेकिन चलें सामने आ गई है तो आप लोग देखने को, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फॉन्ट वेट, कि फॉन्ट वेट किस तरीके से काम करता है। फॉन्ट वेट में हमारे पास दो तरीके हैं कि भाई आइदर ये बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, ठीक है, आप उसका फॉन्ट वेट डिफाइन कर दें एट्रीब्यूट का टैग का, कि इसका बॉडी का फॉन्ट वेट होगा आइदर बोल्ड होगा इटैलिक होगा, कुछ भी नहीं देंगे तो सिंपल होगा, ठीक है। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है हमारे पास। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या है कि द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म फॉर्मेलिटी इज यूज टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट गिवन एट वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है कि हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देंगे, या तो हमारे पास अपर केस दे सकते हैं टेक्स्ट को, या लोअर केस दे सकते हैं, या कैपिटलाइज दे सकते हैं, तो हम करके देख लेते हैं, ठीक है। सपोज बॉडी को अपर केस दे दिया, तो जितनी एच वन होंगी ना, या फिर हमने पैराग्राफ यूज किया है, पैराग्राफ एच वन तो ठीक है, ये पैराग्राफ में ये वाला हमारा पैराग्राफ है ना, सपोज ये हमारे पास एक पैराग्राफ सपोज लिखा था, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कैपिटल में हो जाएगा अगर आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देंगे तो, ठीक है। इसको अगर आप लोअर केस कर देंगे तो इसमें जितने भी कैपिटल अल्फाबेट है या जो भी अल्फाबेट है वो सब लोअर केस में हो जाएगा। कोई पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, हेडिंग को भी, जिस भी चीज को आप चाहें कर सकते हैं, सारे अल्फाबेट एक एक अल्फाबेट लोअर के अंदर हो गए, तो उसका क्या कीवर्ड है लोअर केस और अपर केस। आप चाह रहे हैं कि जितने भी वर्ड हैं, ये एक वर्ड है ठीक है, दिस, फिर ये एक है इज, फिर आ,
ये फिर पैराग्राफ, फिर ये दिस, तो ये हर एक एक के अंदर जो पहला अल्फाबेट है, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट है, ये कैपिटल हो जाए। तो इसके लिए आपके पास ये प्रॉपर्टी है कैपिटलाइज की, ठीक है। आप इसको कर दें कैपिटलाइज, सेव करें, तो हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए, ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की तीन प्रॉपर्टीज है, एक अपर केस, एक लोअर केस और एक कैपिटलाइज। तो आप लोग ये करके देखिएगा, फिर इसमें कोई इशू आए तो बताइएगा, ठीक है। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन की एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, आप जाके CSS की W3 स्कूल पर भी देख सकते हैं, बाकी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, हंड्रेड ऑफ प्रॉपर्टीज है। इतनी आप खुद से यूज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको जिस चीज़ की यूजेज हो आप जाके सर्च करें और आपको वो चीज़ मिल जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो उससे ही आपका हैंड्स ऑन होगा। फिर आपने क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया, कोई भी टैग दिया उसके अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन दिया, या तो आप उसको नन कर दें या फिर आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन है हमारे पास, उसमें वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। जो हम HTML के अंदर यू के टैग से कर रहे थे ना, वो आप CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास टेक्स्ट अलाइन, हमने देखा था कि लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे आप लोग कर करके देखिएगा, या मैं करता हूँ एक मिनट टेक्स्ट अलाइन। सेंटर तो हुआ है, लेफ्ट, लेफ्ट राइट तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई को देखते हैं क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जस्टिफाई कोई काम ऐसा कर नहीं रहा, लेकिन ये तब करेगा जब ये पूरा एक सपोज दो तीन लाइन का पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो उसके अंदर ये क्या काम करेगा, ये लिखा हुआ है दिस इंडिकेट्स दैट एवरी लाइन इन अ पैराग्राफ, ठीक है, हर लाइन आगे करके लिखी होगी एक्सेप्ट द लास्ट लाइन शुड बी सेट टू टेक अ फिट फुल विड्थ ऑफ द कंटेनिंग बॉक्स, कि सारी लाइन के ऊपर ये जस्टिफाई करेगा, उनको एक हाईलाइट करके दिखाएगा अलग से, और सब सिर्फ आखिरी लाइन जो है ना उसको सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में दिखाएगा। आपके पास सबसे ज्यादा तो बस ये लेफ्ट राइट और सेंटर यूज होगी, बाकी आप जस्टिफाई को भी यूज करके देखिएगा, ठीक है। फिर ये मल्टीपल इसमें आपके टैग यूज हुए हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, एग्जांपल्स दी हुई हैं, इन सबको आप एक एक करके रन करके देखें, ठीक है, ताकि आप लोगों की सेल्फ स्टडी हो, और जो चीज़ आप देखें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो ये वेबसाइट आपको रिसोर्स दी हुई है W3 स्कूल की, उसमें HTML की भी सारी चीज़ें हैं, ये देखें आप यहाँ पे CSS की भी है सारी, एक एक को आप रन करके देखें, हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, एग्जांपल्स को आप रन करके भी देख सकते हैं, और उसके बावजूद भी आपको कोई चीज़ ऐसी है कि जो समझ नहीं आ रही, तो फिर आप इन दी एंड उसको नेक्स्ट लैब में पूछ सकते हैं, या फिर गूगल क्लासरूम पे जाके पूछ सकते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से आपको जितनी भी चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सप्लीमेंट्री सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे पिछली लैब में आपने किया था कि ये सारा आपने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, ये आपको सारा पहले से लिखा हुआ दे दिया। अब इसके अंदर इसको रन करके आपने देखना है कि क्या क्या प्रॉपर्टी क्या क्या काम कर रही है। वैसे तो ये जब यूनिवर्सिटी खुली होती है तो एज अ क्लास टास्क होता है, आप लैब के अंदर कर रहे होते हैं। अभी ये है कि आप इसको ज़ाहिर ऑनलाइन है तो क्लास के बाद आप जो है अपनी लैब के साथ जो लैब सबमिट कराएंगे आज उसके साथ ही इसको भी सब एज अ टास्क वन सबमिट कर देंगे। इसमें आपने इसको पूरे को कॉपी करना है या फिर टाइप करना है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उस सबको आपने रन करना है ब्राउजर के ऊपर और आउटपुट देखने के क्या आ रहा है। और उसके बाद लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने किया था कि HTML जैसे HTML के टैग डिफाइन करने थे कि कौन कौन से क्या काम करे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों को भी डिफाइन कर दिया था, तो दोनों की ज़रूरत नहीं है, आप एक को भी डिफाइन करते
आपका काम हो जाता है कि HTML का ये कर रहा है, टाइटल का ओपनिंग टैग ये काम कर रहा है, क्लोजिंग की जरूरत नहीं है। तो HTML तो आपने लास्ट टाइम कर लिया था, इसके अंदर सब ध्यान से सुन लें, इसके अंदर जो सिर्फ CSS की प्रॉपर्टीज यूज हुई है, HTML के टैग नहीं, कि भाई हमारे हमने ये स्टाइल का टैग यूज किया हुआ है क्योंकि हम इंटरनल CSS कर रहे हैं, ये आपने बताना है। ये टैग दिया उसके बाद आगे एक सिंगल लाइन की डिस्क्रिप्शन दे दी कि भाई हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं, ये पैडिंग हम यू इसलिए यूज कर रहे हैं, फॉन्ट का वेट यूज इसलिए कर रहे हैं, मार्जिन इसलिए यूज कर रहे हैं, ये सारे इसमें ज्यादातर आपको मैंने प्रॉपर्टीज बता दी है, बाकी जो बच गई है वो आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, ठीक है। और जब समझ ना आए तो फिर आप गूगल क्लासरूम से पूछ सकते हैं, वैसे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा, ठीक है। सबके अंदर तो आपने सिर्फ CSS की प्रॉपर्टीज जितनी है ना वो सबको सिंगल सिंगल एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना, डिस्क्राइब कर देना, HTML की नहीं करनी। और उसका इसका एक तो इसके टाइप जो आपने कर लिया होगा तो इसका एक स्क्रीन शॉट कोड का, एक आउटपुट का स्क्रीन शॉट, और एक एक प्रॉपर्टी जो आपने डिफाइन की हुई है वो आपने वर्ड के अंदर डिफाइन कर देनी है। लैब टास्क 2 आपके पास आते हैं, ये सबको आवाज़ आ रही है ना, सब ध्यान से सुन लें। यस सर, आ रही है आवाज़, आ रही है। 2 में आपने क्या करना है, यहाँ लिखा है ट्राई टू यूज मोर CSS प्रॉपर्टीज, ज़्यादा से ज़्यादा CSS की आपने प्रॉपर्टीज, यहाँ से भी आप W3 स्कूल पे जाएं, मल्टीपल आप जितनी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं करें, बहुत ज़्यादा एडवांस पे भी ना जाएं, लेकिन ये CSS एडवांस पे ना जाएं, सिर्फ मेन CSS की जो वेब प्रॉपर्टीज हैं वो देखें, और जो हमने क्लास में डिस्कस की है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें, ठीक है। और उसमें आपने देना क्या है, एक वेब पेज क्रिएट करना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन इन डिटेल एक्सप्लेन करें कि भाई आपका ये नाम है, आप कि ये सेमिस्टर है, ये आपकी GPA है, या जो भी है, सारी आपने अपनी यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन, जो एक यूनिवर्सिटी प्रोफाइल होती है जैसे, तो वो क्रिएट होती है, तो एक वेब पेज पे आपने वो क्रिएट करनी है। अगर कोई बच्चा चाह रहा है मैं इमेज लगा दूँ तो वो इमेज भी दे सकता है, नहीं चाह रहा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर चाह रहा है तो दे सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा CSS की प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं। इमेज वगैरह मेरे ख्याल से इमेज से ज़्यादा है, आप लोगों को मैंने बताया था कि इमेज किस तरीके से इसमें आती है, मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ कि सपोज ये आपने तो इमेज करनी है ना, तो ये आपकी कोर्स फाइल की डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने कोई भी इमेज डाल दी, सपोज गए सपोज आपने इसको कहाँ पे सेव करना है, आपने वही जिसके अंदर आपकी ये सारी फाइल्स रखी हुई हैं HTML CSS की, ठीक है, ये आपने डाल दी, ये आपके पास इमेज आ गई, ठीक है। अब इसको आपने वेब पेज पे किस तरह लेके आना है, ये मैं बता देता हूँ, इसका नाम है download.jpg। तो अब आपने HTML के अंदर सपोज आपने पैराग्राफ के बाद चाह रहे हैं इमेज आ जाती है, यहाँ पे इमेज का टैग है इमेज, ठीक है, उसको जैसे आप लिखेंगे तो ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, बस आपने इमेज का टैग दिया, और उसमें SRC क्या है, सोर्स है, कि आपको कहाँ से लानी है इमेज, अगर आपकी कहीं इस फोल्डर के अलावा कहीं रखी है तो वहाँ का आप पाथ दे सकते हैं, नहीं अगर आपने इसी के अंदर रखी हुई है इमेज तो सिर्फ आपने इसका नाम कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम पेस्ट कर दिया, ठीक है, इसको सेव करेंगे तो आपके पास पेज इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब इसको भी आप इसकी भी CSS के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके इमेज के टैग के ऊपर भी, इसको सेंटर अलाइन, लेफ्ट राइट, इसके पिक्सल ज़्यादा कम, वो सब आपको खुद एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो आप जो अगर कोई बच्चा चाह रहे हैं इमेज लाना तो ले आए, कोई नहीं चाह रहा तो कोई उसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इस टास्क के अंदर, लेकिन आप चाह रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। लिंक टैग से भी तो ला सकते हैं ना, बिल्कुल लिंक से भी ला सकते हैं इमेज, मतलब हमने लिंक टैग से कर सकते हैं, इमेज ही जरूरी हमारे लिए नहीं, जरूरी नहीं है, अगर आप किसी भी तरीके से CSS की HTML के टैग मल्टीपल एक्सप्लोर करें जिससे आपको इजी लगे उससे आप लें, कोई इशू नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, आप सेल्फ स्टडी करें, ठीक है, जितने क्रिएटिव हो सकते हो आप, जैसे कि इस तरीके का आप, मेरे से ख्याल है आप एक प्रोफाइल बनाए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज भी जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना, इसमें आप गए
तो आपके पास गेवन नहीं है, ये देखिए हर फैकल्टी की प्रोफाइल, एक एक प्रोफाइल बनी हुई है, इमेज लगी है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इस तरह की बनाए, सिमिलर एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई ये इनका नाम है प्रोफेसर साहब का, ये इनकी एजुकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये इंटरेस्ट है इनका, ये आप प्रोफाइल एज वगैरह सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे ये आप देखेंगे कि ये मेरी प्रोफाइल डली हुई है, भाई ये लैब इंस्ट्रक्टर हैं, ये इनकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है इन्होंने, ये ईमेल है, ये वर्क एक्सपीरियंस है, ये इंटरेस्ट है, तो ये आप बता सकते हैं। इस तरीके की भी आप बना सकते हैं, जैसे आप चाहें ऐसी एक प्रोफाइल, यहाँ पे एक फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, या एक कॉर्नर पे भी कर सकते हैं, जहाँ आप चाहें कर सकते हैं, जो जितना क्रिएटिव होना चाहे, ठीक है। सेकेंड टास्क का अगर क्या है, ट्राई टू मोर सीएसएस प्रॉपर्टीज, मल्टीपल सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करें, और उसके अंदर आपने क्या शो करना है, अपना एक विजन बताएं कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका क्या विजन है, क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अपना गोल डिफाइन करें कि भाई मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है, मैं ये गोल अचीव करना चाहता हूँ, फिर अपने आप को मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये मेरा विजन है। तो ये दो टास्क हैं, दोनों के अंदर आपने कोड लिखना है, HTML का भी, CSS का भी, एक्सटर्नल CSS की फाइल यूज कर रहे हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट उस CSS की फाइल का भी लेंगे, एक HTML का भी लेंगे, ठीक है, दोनों टास्क के अंदर, और दोनों के आउटपुट्स भी लेंगे और उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप इंटरनल यूज कर रहे हैं तो फिर आप वो सिंपल जो सिंगल फाइल है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके कोड का और आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेंगे, और वो वर्ड की फाइल पे, अपनी नाम की वर्ड की फाइल के अंदर कल रात 12 बजे से पहले आपने सबमिट करना है। अच्छा, ये ट्राई जरूर कीजिएगा कि आप सबसे पहले तो LMS पे उसको अपलोड करें, ठीक है, एक ही फाइल बनाएं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालें, स्क्रीनशॉट सारे कोड और आउटपुट के, और आप उसको LMS पे सबसे पहले अपलोड करें, और सेकेंडली आप उसको गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड करें लाजमी, ठीक है। तो पहले तो उसको LMS पे करें, फिर गूगल क्लासरूम पे करें, ठीक है, ये दोनों पे अपलोड कर दें तो फिर आपकी इंशाल्लाह मार्किंग हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों के अंदर आपको सबमिशन में या किसी चीज़ में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप पूछ लें, ठीक है। क्योंकि लैब का, तो आज की लैब का कंटेंट हमारा इतना ही था जी। सर, बस यही दो सवाल है, इससे पहले जो आपने कोड का है वो भी करना है। जी वो भी करना, वो सर कोड आपके पास, 3 5 नंबर, जी 3 सवाल करेंगे वो 5 नंबर के होंगे टोटल। जी 5 नंबर के होंगे, इसमें से आप समझ लें, ये पहला टास्क भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपको जाहिर है सारी चीज लिखी लिखाई पहले से दे दी है, सारा कोड आपने सिर्फ इसको जाके वहाँ पे लिखना है, और वहाँ पे जाके इसका आउटपुट प्रिंट कर देना है, और बस सिर्फ CSS की एक एक प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देंगे तो आपका ये 1 मार्क एक्स्ट्रा यहाँ से आ जाएगा। सर, ये कोड आप हमें भेज दें, हम हाँ, कॉपी क्या क्या कर दें, सर ये कोड कॉपी करके भेज दें चैट में। ये आपके पास जो आपकी लैब अपलोड हुई हुई है ना गूगल क्लासरूम पे, उसमें ये डला हुआ है, और LMS पे भी यही आपकी पूरी लैब डली हुई है, लैब 2 मेरे ख्याल से मैंने अपलोड कर दी थी। ये देखिए, ये आपकी वर्ड की फाइल डली हुई है, तो ये आप यहाँ से जाके कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो सबमिशन के मुताबिक या और किसी चीज के, तो वो पूछ ले। सर, आपने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था उसमें लैब जो मैनुअल था उसमें कुछ चीजें आपने नहीं बताई थी ना, जैसे एड्रेस कंटेनर, इंट्स और ब्लैक ब्लॉक क्वाड, तो ये समझ नहीं आ रहा, ये थोड़ा आप बता देंगे? अच्छा, ये आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, ये वैसे हमने जैसे जो भी चीज़ें, अगर 2-3 मैं एडवांस चीज़ें छोड़ देता हूँ ना, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि
आप जाएं और इसको स्टडी करें, यहाँ पे सारी चीजें ये गिवेन है। अब मैं आपको, और उसमें से भी अगर आपको जो चीज जैसे आज की भी लैब में समझ नहीं आई ना, जैसे अगर हमने एक दो चीजें इसमें मैंने ये छोड़ते सिर्फ इसीलिए ताकि आपकी सेल्फ स्टडी हो, मैं बनाना चाहूँ तो आपको बता दूँ, लेकिन सेल्फ स्टडी तभी होगी जब आप खुद जाएंगे कि यार इसका क्या काम है, और जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे ये फॉन्ट फेस को मैंने, अब मुझे पता है कि मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन जब आप उसको जाके खुद से स्टडी करेंगे, खुद से इंटरनेट पे सर्च करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। खैर जो जो आपकी चीज़ें हैं ना, जो आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई लैब वन के अंदर, वो मैं हाँ आपके गूगल क्लासरूम में ही लैब वन के ऊपर के अंदर वो टैग की डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलें फिर, मेरे ख्याल से हमारे ये सारी चीजें सबको अगर समझ आ गई है कि लैब इस तरीके से सबमिट वगैरह करनी है, तो फिर जिस जिसको समझ आ गई है वो लीव कर दें, फिर हम एंड कर दें क्लास को, और जिसको नहीं आई है तो वो रुक के पूछ सकता है। बाकी बाकी ये है कि अटेंडेंस जो है ना, वो आपकी 8:45 के ऊपर अटेंडेंस मार्क हो जाएगी करेगी, तो 8:45 से पहले पहले आपको ये 15 मिनट का मार्जिन दे रहे हैं। ज़्यादातर टीचर्स को 8:30 पे आती है अटेंडेंस ले लेते हैं, लेकिन ये आपको 15 मिनट का मार्जिन दे रहे हैं, उसके अंदर आप लोग आ जाएँ तो आप लोगों की मैनुअल अटेंडेंस हुआ करेगी, ये चैट पे अटेंडेंस नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो आज तो हम चलो अटेंडेंस देख लेते हैं, मार्क कर देंगे चैट वालों की भी। ठीक है चलो, ठीक है, आज कोऑपरेट कर लें सर। आज आपको 8:45 पे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो है ना, आपने 8:45 से पहले पहले सबने ज्वाइन कर लेना, जो भी इश्यूज मसले हैं वो कर लें। ठीक है, तो आपके आज की चलें हम ये अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, जिन जिन का आज नाम कॉल नहीं हुआ था ना, जो लेट आए वो आज चैट के अंदर अपना फिर प्रेजेंस लिख दें, बाकी जितने भी हैं वो सब ना लिखें, जिनका नाम कॉल हो गया था वो ना लिखें, और जो रह गए हैं वो प्रेजेंट लिख दें चैट के अंदर, तो वहाँ से उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि आप ऑन टाइम आ जाएं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्यूरीज नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। सर हम इमोजीज कैसे लगा सकते हैं अपने टेक्स्ट में?
ठीक है, मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई इशू नहीं है तो हम एंड कर लेते हैं। है कोई किसी को क्वेश्चन या क्वेरी तो पूछ लें। सर बस ये बता दें, ये जो लैब टू की एक्सरसाइज है इसमें HTML के टैग भी ज़्यादा यूज़ करने हैं या सिर्फ CSS के करेंगे? नहीं, ये आपकी CSS की वो है ना, CSS की लैब है, तो बस आप अगर आप अपने इंट्रोडक्शन वगैरह भी दे रहे हैं तो बस आप एक बार पैराग्राफ का टैग यूज़ करें, एक बार हेडिंग का यूज़ करें, उसके अंदर जितनी आप एक दो तीन हेडिंग का टैग यूज़ कर लें, एक दो पैराग्राफ का कर लें, और उसमें जितनी आप चाहते हैं CSS की प्रॉपर्टीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, HTML की इतनी ज़रूरी नहीं है, तो वो एक दो तीन के अंदर भी हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्सप्लेन भी जो इसके अंदर करना है ना, वो HTML नहीं सिर्फ CSS की ही प्रॉपर्टीज को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए फिर हम यहीं पे क्लास को जो है ना वो एंड करते हैं, जो चाहे वो लीव कर सकते हैं।